नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। तमिलनाडु के कपल पी ममता बनर्जी और एएम सोशलिज्म की 13 जून को प्रस्तावित शादी का कार्ड वायरल हो गया है, जिसमें दूल्हे के भाइयों का नाम एएम कम्युनिज्म और एएम लेनिनिज्म लिखा है। कपल के परिजन ने पुष्टि की है कि ये कार्ड असली है। दूल्हे के पिता लेनिन मोहन सेलम में सीपीआई के जिला सचिव और पार्षद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री देश और बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। संजय ने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटने से संबंधी मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पिछले 7 साल में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को ऐलान किया कि कोविड-19 के चलते दिल्ली के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की कक्षा 9 और 11 की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल पहले ही मिड टर्म और सालाना परीक्षाएं करा चुके हैं, वे नतीजे घोषित कर अभ्यर्थियों को प्रमोट कर सकते हैं। बेटियों को मोबाइल न दे बयान पर आलोचना होने के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, मेरे बयान की गलत व्याख्या की गई। मैंने वास्तव में ये कहा था कि अभिभावकों को ये पता लगाना चाहिए कि उनके बच्चे पढ़ाई के लिए फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी अन्य उद्देश्य से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 18 से 22 वर्ष की 3 बहनों को बंधक बनाकर उनमें से 2 के साथ गैंग रेप करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें अपनी मजदूरी मांगने की सजा दी गई। बतौर पुलिस मामले में जांच अब भी जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी का पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। बकौल राय, ये टावर प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करने में सक्षम होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर बैठी गाय पर ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए पुलिस ने 6 जून को एक शख्स को गिरफ्तार किया। कई यूजर्स द्वारा घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद पुलिस ने बताया कि मामले में सरकंडा थाने में FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाय की मौत हो गई थी। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनी G7 नेताओं की माउंट रशमोर शैली की कलाकृति की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। G7 शिखर सम्मेलन से पहले कॉर्नवॉल में बनाई गई इस कलाकृति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अन्य नेताओं को दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिस्पोजल से होने वाले नुकसान को उजागर करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए इस साल 1 अक्टूबर से प्रत्येक बिल पर 14 अंकों का FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। बकौल FSSAI, इस फैसले से ग्राहकों को FSSAI के पोर्टल पर किसी विशेष खाद्य व्यवसाय के बारे में जानकारी हासिल करने और शिकायत दर्ज करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रदेश में हुई मौतों का ऑडिट कराने व दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में घर घर टीकाकरण की संभावना तलाशने को कहा है। महामारी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर व ICU उपकरणों का भी ऑडिट मांगा है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 305 नए मामले दर्ज किए गए हैं व 44 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राजधानी में कोविड-19 के दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 0.41% हो गई है। दिल्ली में अब तक संक्रमण के 14,30,433 केस मिले हैं व 24,748 केस से मौत हुई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि शहर के प्रशासन ने कभी भी कोविड-19 से होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, हम मुंबई में ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे पास शवों को फेंकने के लिए नदियां नहीं हैं। गौरतलब है, उत्तर प्रदेश व बिहार में गंगा नदी में कई शव बहते मिले थे। महाराष्ट्र के मलाड में बुधवार रात को एक इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत के मामले में मालावनी,
पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक 48 वर्षीय रिजवान सिद्दीकी के खिलाफ गैर राजतन हत्या का केस दर्ज किया है। बतौर पुलिस घटना में बचाया गया सिद्दीकी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जबकि उसके परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई है। पंजाब के पटियाला जिले के एक गांव में ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए 10,000 से अधिक पेड़ लगाने वाले 67 वर्षीय हरदयाल सिंह नामक शख्स की 25 मई को कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई। सिंह को सांस लेने में तकलीफ के बाद पहले बेड खोजने में परेशानी आई और बेड मिलने के कुछ दिनों के भीतर ही उसका निधन हो गया। महामारी के बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 महीने की गर्भवती शिवानी नामक डॉक्टर रोगियों का इलाज कर रही है। उन्होंने कहा, थोड़ा तनाव है लेकिन मुझे गर्भावस्था में काम करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी डॉक्टरों की कमी के कारण लोग जूझ रहे हैं। बकौल शिवानी, वो नहीं चाहती कि उनका बच्चा कर्तव्यों का पालन न करने का कारण बने। तमिलनाडु के कडलूर जिले में एक शख्स ने कर्ज उतारने के लिए 2 दोस्तों को अपनी पत्नी से कथित तौर पर रेप करने की अनुमति दे दी। इसे लेकर महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कोई काम न होने के चलते शख्स ने दोस्तों से पैसे उधार लिए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 24 ओवर सिटी पर केंद्रित दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सुझाव मांगे हैं। इसमें नाइट लाइफ सर्किट्स का प्रस्ताव है, जिसमें रिटेल स्टोर, थीम्ड नाइट वॉक, मेट्रो लाइन व बस रूट होंगे। ये किराए व छोटे प्रारूप के आवासों पर केंद्रित हैं और हॉस्टल जैसे आवासों को प्रोत्साहित करता है। फेसबुक ने कहा है कि 15 जून से सभी स्तर के कर्मचारी घर से फुल टाइम काम करने के लिए अनुरोध कर सकेंगे और ऐसा कोविड-19 महामारी के खत्म होने के बाद भी चलेगा। हालांकि कंपनी ने कहा है कि कर्मचारियों के कम महंगाई वाले क्षेत्र का रुख करने पर वो बाजार दरों के हिसाब से उनका वेतन बदल सकती है। मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कोवर से एक इंस्टाग्राम यूजर ने पूछा कि उन्होंने अपने से बड़ी उम्र के शख्स से शादी मत करो वाली भारतीय सोच का कैसे सामना किया। अंकिता ने लिखा, लोग उन चीजों के बारे में बात करने में दिलचस्पी रखते हैं जो समाज में असामान्य है। मैंने हमेशा वही किया जिससे मुझे खुशी मिली। एक्ट्रेस मिनीषा लांबा ने नवभारत टाइम के साथ एक इंटरव्यू के दौरान 5 साल की शादी के बाद रयान थाम से तलाक लेने को लेकर कहा, तलाक आसान नहीं होता, मगर जब रिश्ता जहरीला हो जाए तो निकलना ही सही है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से महिलाओं की पहचान उनके रिलेशनशिप स्टेटस और मैरिटल स्टेटस से होती है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आरसीबी एंकर और कॉमेडियन दानिश सेठ ने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो अन्या रंगास्वामी के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। दानिश ने लिखा, आज अन्या और मैंने 15 सबसे करीबी परिवारजन और दोस्तों की मौजूदगी में एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। बकौल दानिश, हम प्यार की ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार हमें भेजिए। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच जारी मैच 38 वर्षीय एंडरसन का 162वां टेस्ट है और उन्होंने पूर्व इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 161 टेस्ट खेलने के बाद संन्यास लिया था। एंडरसन सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज है। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।